जय हिंद। आज का पाठ है खुशबू रचते हैं हाथ। ये भी अरुण कमल के द्वारा लिखी गई है, जिसमें सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया गया है। आप देखते हैं कि जब घर में सुगंधित अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, धूप बत्तियां जलाई जाती हैं, क्या कभी विचार किया है कि इन्हें बनाता कौन है, कहां बनती हैं, जो लोग बनाते हैं इनको वो कैसी परिस्थितियों में रहते हैं, किस स्थानों पर रहते हैं, उसी के विषय में कवि ने ये सब बताते हुए लिखा है। कवि चाहता है कि हम जब सुगंध से परिचित हैं, तो इस सुगंध को जो बनाने वाले लोग हैं, उनकी परेशानियों, उनके संघर्ष, उनके जीवन की कठिनाइयों का भी लोगों को ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि ये सब किसकी कारिस्तानी है। जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, यानी इतनी सुंदरता का निर्माण कर रहा है, वही वर्ग अभाव में, गंदगी में जीवन बसर कर रहा है, और वही वर्ग जो है अभाव में रह रहा है, गंदगी में रह रहा है, ऐसी असहनीय परिस्थितियों में रह रहा है कि साधारण व्यक्ति उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। जो लोगों के जीवन को सुगंधित करते हैं, सुगंधित अगरबत्तियां बना बना कर, आज वो ऐसी परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं, जिन्हें कि शायद विचारा भी नहीं जा सकता। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं, आखिर कब तक? इनकी दशा देखकर कवि का हृदय वैसे ही कोमल होता है, वो पूरी तरह उससे प्रभावित होता है, और इसीलिए वो सब ये लिखना चाह रहे हैं। शहरों की गंदी और बदबूदार गलियां, स्वर्ण युग और दर्शन अगरबत्तियां, कई गलियों के बीच, नालों के पार, कूड़े करकट के ढेर के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, यानी जहां पर बहुत सारी गलियां एक दूसरे से मिल रही होती हैं, नालों के किनारों पर, ऐसे स्थानों पर इनकी झोपड़ियां पड़ी होती हैं, जहां छतों से पानी टपक रखा होता है, और ऐसी स्थिति में ये लोग वहां पर अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, यानी ऐसी परिस्थितियों में रहकर भी ये लोग हमारे लिए खुशबूदार अगरबत्तियां तैयार करते हैं। कई उंगलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, यानी कई गलियां, पतली पतली गलियां हैं, बहुत सकरी सकरी गलियां होती हैं जहां ये लोग रहते हैं, कई नालों के पार, बीच में बड़े बड़े नाले हैं, नाले के किनारों पर झोपड़ियां बसी होती हैं, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, और जहां पर पूरे शहर का कूड़ा फेंका जाता है बाहर, वहां ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, ऐसे स्थानों पर ये लोग रहते हैं। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, ऐसे उस बदबूदार स्थिति में रहकर भी ये जो लोग हैं वहां पर, वो खुशबूदार अगरबत्तियां, धूप बत्तियां बनाते हैं। इनके हाथ कैसे कैसे हैं, हाथों की विशेषताएं बताई हैं। उभरी नसों वाले हाथ, जिनके हजिन हाथों के ऊपर नसें उभर कर आ गई हैं काम करते करते, और घिसे नाखूनों वाले हाथ, अधिक काम करने से नाखून भी घिस जाते हैं, घिसे नाखूनों वाले हाथ। इसी प्रकार पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, छोटे छोटे बच्चे भी इस काम को करते हैं। गरीब मजदूर वर्ग में ये जरूरी नहीं है कि बड़े ही लोग काम करें, बहुत छोटे बच्चे वो भी बचपन से ही काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आर्थिक अभाव है, गरीबी के बोझ तले दबे होते हैं, तो पूरा परिवार मिलकर के काम करता है। तो इस तरह जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ हैं, उनकी समानता बताई है
पीपल के पत्तों से, जैसे पीपल के पेड़ पर नई नई खोपले निकलती हैं, नए नए पत्ते आते हैं, इसी प्रकार वो छोटे छोटे बच्चों के हाथ ऐसे पीपल के पत्ते जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जो नवयुवतियां काम कर रही हैं, नवयुवतियां जो सुगंधित अगरबत्तियां बना रही हैं, उनके हाथों की तुलना की है जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, यानी फूल जैसे सुंदर सुकोमल हाथ हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, अब ऐसे भी हाथ हैं जो कि गंदे हैं, सने हुए हैं अगरबत्तियों के और उसकी कालिख में, और कटे फिटे हैं, उनके चोट लग रही है, जगह जगह पर खरोंचे आ रही हैं हाथों में, जख्म से फटे हुए हाथ, ये सभी उन काम करने वाले श्रमिकों के हाथ हैं। इस तरह के खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, और इस तरह के ये सभी हाथ, चाहे वो छोटे बच्चों के हाथ हों, नवयुवतियों के हाथ हों, बड़े बुजुर्ग लोगों के हाथ हों, सभी मिल करके अगरबत्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल से पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाली से खुशबूदार हाथ, गंदे पिटे कटे जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यही इसी गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, जो ब्रांडेड अगरबत्तियां मिलती हैं हमें, वो इन्हीं बस्तियों में बनाई जाती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, गंदे लोग क्यों कहा है इनको, क्योंकि जो अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, जो लोग उच्च वर्ग के हैं, जिन्होंने कभी ऐसी परिस्थितियों को नहीं देखा, जो सब तरह की साधन और सुविधाओं से संपन्न हैं, वे ऐसे लोगों को गंदे लोग कहकर उनको अपमानित करते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पर इस बात को रखा है कि सबको पता लग जाए कि ऐसे लोग भी हमारे लिए त्याग कर रहे हैं, हमारे लिए कार्य करने में मजबूर हैं। बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां, ये सभी इस तरह के जो फूलों की सुगंध वाली अगरबत्तियां हैं, केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी, इन सभी अगरबत्तियों को बनाने वाले यही गंदे स्थानों पर रहते हैं, और उनको सभ्य समाज कहे जाने वाले लोग गंदे लोग कह करके पुकारते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कितनी अच्छी भावना है यहाँ पर कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच, इस तरह से पूरी दुनिया की गंदगी के स्थानों पर रहने वाले, जहाँ लोग जाना तो दूर की बात है, ऐसी परिस्थितियों में रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे स्थानों पर ये लोग रहते हैं, सभी साधनों से सभी सुविधाओं से दूर हैं, इनके पास जीवन के कोई भौतिक साधन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियों में अपना जीवन गुजारने के लिए धन कमाने की चेष्टा में लगे रहते हैं, और यहाँ रह करके खुशबूदार सुगंधित अगरबत्तियां बनाते रहते हैं। इस प्रकार जगह जगह पर इस तरह के ये खुले हुए हैं कार्य, जहाँ पर लोग काम करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि इस पाठ से हमें क्या संदेश मिला, हमें संदेश मिला कि हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को जीने का अधिकार है, चाहे वो सुविधा संपन्न हो या फिर मेहनत करने वाले मजदूर हो, बल्कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।